नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ जॉब विथ पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारा 9th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जो कि है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इसकी हम 2 क्लास पहले कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। सेकेंड क्लास के अंतर्गत हमने 1.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट की थी। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम आपकी जो 1.2 एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो आपको अगर पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर है वो जरूर कर देना, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट भी कर देना। दोस्तों, अगर आपके पास गाइड है तो ठीक है, इसकी बुक है तो, अदरवाइज नहीं है तो आपके जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा। साथ साथ में आपको जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हुए चलना है, क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास की थी उसी के अंतर्गत आपको करवा दिया था, ठीक है। कुछ नई बातें भी आपको इसमें सीखने को मिलेगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, उन्हीं पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का साथ साथ में आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। आंसर है वो आप कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं किताब ले लेता हूँ और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है वो शो हो रहे होंगे। जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें आपको कथन दिए गए हैं और ये बताना है कि कथन जो दिए गए हैं वो सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो भी आपको इनका कारण देना है, अगर असत्य है तो भी इनका कारण देकर बताना है कि ये कथन क्यों सत्य है या असत्य है, ठीक है। कथन फर्स्ट आपको दिया गया है कि प्रत्येक प्रीमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये दोस्तों आपका कथन फर्स्ट है कि प्रत्येक प्रीमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दोस्तों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास के अंतर्गत आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या होती है वो दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। इसके अंतर्गत प्रीमेय संख्या भी आती है, ठीक है, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत अप्रीमेय संख्या भी आपकी आती है। क्वेश्चन क्या था कि प्रत्येक प्रीमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दोस्तों, वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी प्रीमेय संख्या आती है, ठीक है, और सभी अप्रीमेय संख्या आती है। तो क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रीमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा? जी हाँ, जरूर होगा, क्योंकि जो सभी की सभी प्रीमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। तो यानी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो सत्य हो जाएगा। तो फर्स्ट का हमारा आंसर हो गया सत्य। अब आपको कारण बताना है कि कारण क्यों होगा। कारण हो जाएगा कि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्रत्येक आपकी प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याएं आती है, ये इसका कारण हो गया कि जो वास्तविक संख्या है वो प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। इन दोनों से मिलकर बनी होती है तो सभी प्रीमेय संख्या तो इसमें होंगी, और ठीक है, सभी प्रीमेय संख्या भी होंगी और सभी आपकी अप्रीमेय संख्या भी होगी। ये अपना कारण हो गया, ठीक है। फर्स्ट के लिए अपना क्या हो गया कि ये फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट हो गया कि ये कथन दिया गया है वो सत्य होगा। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड है आपका क्वेश्चन, आपको शो हो रहा होगा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। जहां एम हमें क्या दे रखा है? एम हमें प्राकृत संख्या दे रखा है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्राकृत संख्या की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर होता है वो कहां से शुरू होता है? एक से शुरू होता है, ठीक है, और ये आपका अनंत तक चलता है, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका नेचुरल नंबर हो गया। एक यहां पे बात की गई है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा के बारे में हमने पहले अध्ययन नहीं किया था तो मैं आपको संख्या रेखा के बारे में बता दूं। संख्या रेखा आपकी एक रेखा होती है जिसके ऊपर हम सभी के सभी अंक है वो लिखते हैं, ठीक है। इसका जो बीच का बिंदु होता है वो तो आपका जीरो होता है। ये हम संख्या रेखा की बात करें कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा एक रेखा होती है जिसके अंतर्गत हम सारे के सारे इसके ऊपर हम नंबर है वो लिखते हैं। एक तरफ तो हम जो पॉजिटिव नंबर है वो लिख देते हैं, ठीक है, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। इस तरफ हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। ये अपनी क्या होगी? संख्या रेखा होगी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है, यानी संख्या रेखा का आप कोई भी बिंदु ले लो, जो सभी का सभी बिंदु है वो क्या होता है? रूट
एम के रूप में होता है। और एम यहाँ पे क्या है, एम एक नेचुरल नंबर है, यानी एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, ठीक है। तो ये कथन आपको देखकर सत्य लग रहा है क्या, नेचुरल नंबर के अंदर कहीं भी कोई नेगेटिव आया है क्या? इसके अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, तो यानी जो कथन है वो क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये कथन आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। अब हम कारण की बात करें कि इस ये कथन है वो असत्य क्यों है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी जो ऋणात्मक संख्या है ना, वो किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल है वो नहीं होती है, ठीक है। यानी इस बात का क्या मतलब है, इसका मैं कारण बता रहा हूं कि कोई भी ये नेगेटिव नंबर है ना, वो किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे प्राकृत संख्या लिखा चार, इसका आंसर आएगा हमारे पास आया दो, ठीक है। क्या इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर आया क्या हमारे पास, हमें एम का मान अगर हम नेचुरल नंबर रखेंगे, कोई भी हम नेचुरल नंबर रखेंगे, क्या हमारे पास कोई नेगेटिव मान निकल कर आएगा क्या, कैसे भी नहीं आएगा। तो यह कथन क्या हो जाएगा अपना, असत्य हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको कारण भी बता दिया कि कोई भी ऋणात्मक संख्या है वो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल है वो नहीं होती है, ये अपना कारण हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कथन है, तीसरा कथन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है, बताना है सत्य है या असत्य है। दोस्तों अभी हमने जिक्र किया कि वास्तविक संख्या है वो दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, इसके अंतर्गत प्रिमेय संख्या भी होती है और अप्रिमेय संख्या भी होती है। हमें क्या पूछा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है, तो दोस्तों ऐसा थोड़ी होता है कि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या वो सिर्फ और सिर्फ अप्रिमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्या कुछ प्रिमेय भी तो होती है। यानी ये जो हमारा कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये जो तीन नंबर का कथन है वो असत्य हो गया। कारण क्या है कि जो वास्तविक संख्या है वो प्रिमेय और अप्रिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वास्तविक संख्याओं में केवल अप्रिमेय संख्या आती है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत अप्रिमेय भी आती है और प्रिमेय भी आती है, दोनों प्रकार की संख्या है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। तो ये दोस्तों हमारा थर्ड इसका वन का तीसरा कथन हो गया। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर है वो जरूर करते रहें। और हमने नाइन्थ क्लास के लिए जो साइंस की ऑनलाइन क्लास है वो भी शुरू कर रखी है, इसके अंतर्गत भी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो आप जरूर है वो भी ज्वाइन कर ले। पहली क्लास का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। जो हमारा सेकेंड कथन है, जो सेकेंड क्वेश्चन है, कथन नहीं है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक प्रिमेय संख्या है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या करना, आपको छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड करके करना है, ठीक है। किस प्रकार कि सबसे पहले हमें पूछा गया कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होते हैं क्या। सबसे पहले हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक के अंतर्गत आपके माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत की सभी संख्याएं आती है, ठीक है। प्लस अनंत से लेकर माइनस अनंत की सभी संख्याएं आपकी क्या आती है, पूर्णांकों के अंतर्गत आती है। तो यहां पे क्या बोला गया कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी जीरो से इस तरफ की संख्या एक दो तीन चार पांच इस प्रकार की यह संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, धनात्मक पूर्णांक होंगे। इनका जो वर्गमूल है यानी एक का वर्गमूल, ठीक है, दो का, तीन का, चार का, पांच का, छह का, इस प्रकार है, क्या इनका वर्गमूल एक अप्रिमेय संख्या होती है कि आपको जांच करके बताना है। तो एक का वर्गमूल एक होता है, दो का रूट दो हो जाएगा, तीन का रूट तीन हो जाएगा, चार का दो हो गया, पांच का रूट पांच हो जाएगा, छह का रूट छह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे कि हमने क्या किया कि रूट दो लिया, तो ये रूट दो तो क्या एक अप्रिमेय संख्या है, ठीक है। रूट तीन भी क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, लेकिन रूट चार का मान दो, क्या ये कि अप्रिमेय संख्या है क्या, नहीं है दोस्तों, ये क्या है आपकी प्रिमेय संख्या हो जाएगी। तो यानी कि जो इस कथन का जो आंसर होगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल प्रिमेय संख्या होते हैं क्या, तो इसका मान क्या हो जाएगा, नहीं होता है। सभी आपकी क्या होती है, अप्रिमेय संख्या नहीं होती है, कुछ प्रिमेय भी होती है। एग्जाम्पल इसमें पूछा है, कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, तो हम मान लेंगे कि रूट चार है, इसका मान कितना आएगा, दो आएगा, जो कि क्या है, एक प्रिमेय संख्या है। अगर आपसे कोई और एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप रूट नौ का दे सकते हैं, इसका मान कितना आता है, तीन आता है, जो कि क्या है, एक प्रिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। रूट सोलह भी ले सकते हो आप, यह भी चार आएगा तो एक प्रिमेय संख्या है।
रूट 25, ये भी इसका मान कितना आएगा, 5 आएगा, जो कि क्या है, प्रिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 3 है, इसके अंतर्गत आपको रूट 5 दिया गया है। रूट 5 को आपको संख्या रेखा पर निरूपण करना है। संख्या रेखा की बात करें दोस्तों, संख्या रेखा क्या होती है आपकी, इसका बीच का बिंदु है वो तो 0 होगा, एक तरफ आपके इसमें धनात्मक मान होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, एक तरफ इसमें ऋणात्मक मान होते हैं। ठीक है, एक तरफ आपके इसमें धनात्मक मान होते हैं, एक तरफ इसके अंतर्गत क्या होते हैं, ऋणात्मक मान होते हैं, ये आपकी संख्या रेखा हो जाएगी। ठीक है, इस तरफ भी आपके अनंत होते हैं, इस तरफ भी आपके पॉजिटिव में भी पूरे नंबर होते हैं, नेगेटिव में पूरे अनंत तक ये नंबर होते हैं। बीच का बिंदु क्या होता है आपका, 0 होता है, ये आपकी क्या होगी, संख्या रेखा होगी। अगर आपको संख्या रेखा पे बोला जाए कि आप 2 को दर्शाइए, ठीक है, 2 कहां पे है, तो आप टिक कर दोगे कि ये आंसर ये 2 है। मैं पूछूं कि -4 को दर्शाइए, तो आप बोल दोगे कि सर ये आपका क्या है, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं 5 को दर्शाइए, तो आप बोल दोगे सर ये 5 हो गया। मैं बोलूं कि 0, आप बोल दोगे सर ये पॉइंट है, ये 0 हो गया। लेकिन हमें इससे पूछा क्या गया है कि बताइए कि रूट 5 है वो कहां पे, इस पे, तो रूट 5 तो इसमें सीधा सीधा तो कोई मान दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रूट 5 कहां पे से दर्शाने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, हो सकता है आपने पढ़ी हो सकता है नहीं पढ़ी हो, पढ़ी है तो याद है या नहीं है, तो हम देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर है ना, ये किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। जो आपका कर्ण का स्क्वायर है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है वो आपके एक समकोण जो त्रिभुज होता है उसी पे आपकी लागू होती है, यानी इसका एक कोण है वो 90 डिग्री का होगा, उसी के अंतर्गत आपकी पाइथागोरस प्रमेय है वो लागू होती है। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, नीचे की जो जमीन है वो आपकी आधार होगी, ये आपकी लंब हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय आपके समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर है ये लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के आपके बराबर होता है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर कहां पे हम रूट 5 का मान इसके अंदर हमें संख्या रेखा पे बताना था, कहां हम समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों इसी का यूज होगा। किस प्रकार होगा कि हमें क्या करना है कि 5 के हमें ऐसे टुकड़े करने जो किसी संख्या के पूर्ण वर्ग हो, तो हम ऐसे टुकड़े करेंगे तो क्या करेंगे, एक तो हम 4 कर देंगे, ये किसका वर्ग है, 2 का है, एक हम क्या कर देंगे 1, ये किसका, 1 का ही वर्ग है। ठीक है, तो 5 के हमने ऐसे टुकड़े कर दिए जो एक तो किसका है, 4 है हो जाएगा, एक क्या है, 2 है, ये तो 2 का वर्ग हो जाएगा, ये किसका है, 1 का वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, और ये किसका है, 1 का वर्ग है, ये किसके तरफ हो गए, 5 की तरफ। हमें रूट 5 का मान निकालना है कि 5 का, तो इससे दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। ठीक है, तो रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 की 2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका, कर्ण की स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार प्लस लंब। हमने क्या किया, जो कर्ण की स्क्वायर है ना, इसको हटा के इस तरफ हमने क्या कर दिया, रूट कर दिया। ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, कर्ण है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर के ऊपर आपका क्या आ गया, रूट आ गया। अब दोस्तों इनमें से एक आधार होगा, एक आपका लंब होगा, तो कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, इसका हम कैसे पता करेंगे, तो दोस्तों रूट 5 से पहले वाली संख्या होती है आपकी रूट 4, इसका मान क्या होता है, 2 होता है, 2 तो आप संख्या रेखा पे बता सकते हो कहां पे है, वो 2 आपकी संख्या रेखा पे यहां पे, यानी कि जो रूट 5 का मान होगा वो कम से कम 2 के तो आगे होगा, क्योंकि 2 का मान तो 4 पे आ रहा है, रूट 4 पे आपका मान 2 आ रहा है, तो रूट 5 का मान होगा वो कम से कम 2 से तो आगे होगा। ठीक है, ये तो हमारा कन्फर्म हो गया, तो यानी जो आधार होगा वो कम से कम 2 तो होगा, 1 तो हो नहीं सकता है, तो आधार हमारा क्या होगा, 2 हो गया। अब क्या है, ये क्या है, लंब है, तो लंब क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, हम 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बना देंगे 90 डिग्री के एंगल पे, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, जो कि 1 सेंटीमीटर, आधार हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर। ये 0 है, इसे हम O बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बिंदु A हो जाएगा, ऊपर वाला बिंदु B हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बिंदु O को बिंदु B से मिला देंगे,
बिंदु ओ से बिंदु बी को मिलाएंगे तो ये रेखाखंड है ना, जो ओबी हमारे पास जो रेखाखंड मिला है हमें, ये क्या होगा हमारा रूट पांच आएगा। कैसे आएगा? पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि आधार हमारे पास दो है, लंब हमारे पास एक है, तो कर्ण हमारे पास कितना आएगा? रूट पांच आएगा। तो ये हमारा रूट पांच का मान आ गया। ठीक है, अब दोस्तों ये रूट पांच हमारे पास आया है, ये एक है आपकी एप्रीमेशन क्या होगी। ठीक है, रूट पांच हमारे पास मान आ गया, ये संख्या रेखा पे थोड़ी है, कहीं पे भी आपको रूट पांच या आप पे संख्या रेखा पर आया है क्या? कहीं पे भी संख्या रेखा पे नहीं आया, ये रेखाखंड अलग है। अब हम क्या करेंगे कि एक प्रकार और पेंसिल की सहायता से इसे माप लेंगे। ठीक है, इसे तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या मान लेंगे। ठीक है, ए ओ को तो हम क्या मान लेंगे, अपनी त्रिज्या मान लेंगे। ओ हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा। तो यहां पे हम प्रकार के नोक रखेंगे, यहां पे पेंसिल के नोक रखेंगे, और इससे क्या करेंगे हम नीचे की तरफ घुमा देंगे, एक चाप बना देंगे इसका। तो चाप बनाएंगे तो वो किस प्रकार आएगा आपका, इस प्रकार नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे ये जिस बिंदु पर संख्या रेखा को काटेंगे उसे हम कोई नाम दे देंगे, पी मान लीजिए, क्यू मान लीजिए या सी मान लीजिए। तो ये हमारा संख्या रेखा पर रूट पांच ने काटा बिंदु सी पे, तो ये सी हमारा बिंदु है वो क्या हो जाएगा, रूट पांच हो जाएगा। यानी कि ये जो रेखा है ना, इतनी कितनी कौन सी होगी, ये रेखा होगी। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना रूट पांच आ जाएगा। तो हमें पूछा क्या गया था, हमें यही पूछा गया था कि रूट पांच को संख्या रेखा पे हमें निरूपण करना है, तो किस प्रकार करेंगे, ये दोस्तों आप देख लीजिए। इस प्रकार हम रूट पांच का निरूपण करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की हम सहायता लेंगे। ठीक है, इनमें से हम पता करेंगे कौन सा आधार है, कौन सा लंब है। ठीक है, हम बेसिक सा यूज करेंगे कि जो दो है, दो से आगे होगा रूट पांच का मान, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा रूट पांच का मान। ये हमने इससे संख्या रेखा के ऊपर हमने इसका निरूपण कर दिया। ठीक है दोस्तों, आपको जो प्रत्येक बिंदु हो एक एक सेंटीमीटर पे लेनी, एक सेंटीमीटर पे आपको ऊपर का बिंदु होगा और ये भी आपको एक एक सेंटीमीटर के ऊपर ही लेनी है। तो ये दोस्तों रूट पांच का मान है वो हो गया, किस प्रकार हमें संख्या रेखा पे से निरूपण करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रूट पांच हमें संख्या रेखा पे किस प्रकार इसका निरूपण करना है। ये कुछ नया था आज आपको सीखने के लिए मिला होगा, बाकी जो हमने पढ़ रखा था उसी के रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्प रही होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर वो आप जरूर कर देना। ठीक है, आगे वाली और भी बेहतरीन क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साइंस वाली क्लास आप जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।